हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नौमी तिथि नवरात्रि पर्व का आखिरी दिन होता है। नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के नौवें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा से माँ सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और हमें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। नवरात्रि की नौमी तिथि पर कन्या पूजन का माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी पर करते हैं, कुछ लोग नौमी पर करते हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 की शारदीय नवरात्रि नौमी व्रत तिथि, माता सिद्धिदात्री का स्वरूप, पूजा विधि, माँ के पसंदीदा भोग, रंग, उपाय, व्रत के नियम और व्रत का पारण कब करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत, माता की चौकी का आयोजन करते हैं। इन 9 दिनों के दौरान अष्टमी और नौमी तिथि को हवन भी किया जाता है, कंजक पूजन भी किया जाता है। कंजक पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है, जिसके बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि में नौमी तिथि को बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इसे महानवमी भी कहते हैं। इस दिन श्री राम भगवान की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैंने दोस्तों राम रक्षा स्तोत्र पर भी वीडियो बनाई है, आप उसे भी सुन सकते हैं। इस बार 14 अक्टूबर को नौमी तिथि पड़ रही है और इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन यानी कि नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। यह देवी सभी सिद्धियों को देने वाली है, इसीलिए भक्तजन इनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि इनका आशीर्वाद मिल जाए तो सारी सिद्धियों का लाभ हमें प्राप्त होने लगता है और सुख में जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना से केतु के दोष भी दूर होते हैं। वास्तु दोषों के साथ ही जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिलती है और माता की आराधना से हमें हर तरह की सारी सिद्धियों का लाभ प्राप्त होने लगता है। माँ सिद्धिदात्री के बारे में कहा गया है कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व और 8 सिद्धियाँ हैं, यानी कि इनमें देवी सिद्धिदात्री विराजमान होती हैं। देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी में हो गया था। इस देवी के दाहिनी तरफ वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इस देवी की साधना करने से लौकिक और परलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। यह देवी सभी सिद्धियों को देने वाली है, इसलिए भक्तजन इनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुख में होता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के नौमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि नौमी तिथि महानवमी व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर को रात्रि के 8:09 पर। नौमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर रात्रि के 6:54 पर। नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 11:43 से
12:30 तक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के चार हाथ हैं। माँ अपने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। देवी का यह रूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। आइए अब जानते हैं माँ के पसंदीदा रंग, फूल और भोग। नवरात्रि का नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री के इस रूप को पूजने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और देवी सिद्धिदात्री के इस रूप को भोग के रूप में फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा चढ़ाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के नौवीं तिथि को बैंगनी या जामनी कलर पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक है और माता को बहुत अधिक प्रिय है। इसके अलावा सिद्धिदात्री देवी माँ की पूजा में चमेली, बेला के पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि चमेली और बेला के पुष्प देवी माँ को बहुत प्रिय हैं। और नवमी के दिन तिल का भोग भी लगाया जाता है। तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका खत्म होती है। आइए अब जानते हैं सिद्धिदात्री देवी की पूजा विधि। नवरात्रि तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर माता सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के पुष्प या बेला और चमेली के 9 पुष्प आप और फल अर्पित करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, ध्यान करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो जाप भी कीजिए और देवी माँ की पूजा करें। पूजा में माँ को चना, पूड़ी, खीर, नारियल, हलवे का भोग लगाएं। तिल भी अर्पित करने चाहिए। इस दिन भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। जो लोग पूरे 9 नवरात्र रखते हैं तो वो नौमी के दिन कंजक पूजन करते हैं। माता की पूजा के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया जाता है। आइए अब जानते हैं माता की सिद्धिदात्री की पूजा के दिन यानी कि नौमी नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि नौमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को शुभ फल प्राप्त होते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के नौवें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी सिद्धिदात्री के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूजा में माँ को सौंफ, इलायची, लौंग, सुपारी और मिश्री ये अर्पित करें। इस उपाय से माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप ये जरूर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं नवमी पूजन के नियम क्या हैं। दोस्तों, नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कन्याएं 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 9 साल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन कन्याओं को भोजन करवाने से पहले आप भोग माँ दुर्गा को लगाएं। नवरात्रि भोग बनाते समय सात्विकता और स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा के दौरान घर में कलह अशांति न होने दें। अगर आपने पूरे 9 दिनों के व्रत रखे हैं तो नवमी के दिन हवन जरूर करें। कन्या पूजन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और जहाँ भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय आप शुद्धता का ध्यान रखें, यानी कि मांस मदिरा का घर में सेवन नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों, साल 2021 में शरद नवरात्रि का पारण अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाएगा। इस दिन नवरात्रि का पर्व समा नवरात्रि का समापन होगा।
15 अक्टूबर के दिन यानी कि शुक्रवार को दशमी के दिन नवरात्रि का पारण किया जाएगा। इस दिन दशहरे का पर्व भी है। इस दिन माँ दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करके प्रतिमा विसर्जन, हवन और व्रत पारण संबंधी कार्य किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि चौकी कब और कैसे हटाएं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों का होता है, इसलिए नवरात्रि में माता की चौकी और बोए हुए ज्वारे और अन्य विसर्जन का सामान 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को हटाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूरे विधि विधान से की गई माँ की आराधना अवश्य ही फलीभूत होती है और भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों अब फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। और वैसे भी मैं इस चैनल पर हर तीज त्यौहार की संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, व्रत कथा भी बताई जाती हैं और वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ दी जाती हैं। इसके अलावा और भी मैंने जैसे कि हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण, शिव चालीसा, तो इन वीडियोस को आप देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।